हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपेश गोयल, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन. टुडे आई एम गोइंग टू शो यू ए हेयर ट्रांसप्लांट. इन दिस पेशेंट फर्स्ट वी विल डिज़ाइन द हेयर फॉलिकल डिज़ाइन एट द स्कैल्प, एंड देन आफ्टर दैट वी विल मार्क द रेसिपियंट्स डोनर साइट फॉर द हेयर स्ट्रिप. इन दिस केस वी आर टेकिंग अराउंड 1 to 1.5 cm विड्थ हेयर स्ट्रिप फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कैल्प वेयर द परमानेंट हेयर ग्राफ्ट आर रिजाइड. सो ये जो ग्राफ्ट होते हैं ये आपके लाइफ लॉन्ग रहते हैं और कभी नहीं गिरते. जैसे कि आप देख सकते हैं, स्ट्रिप हमने ली है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 ग्राफ्ट आर देयर. सो यू कैन इमेजिन कि 30 by 2 cm, 60 cm² की जो ये स्ट्रिप है, 60 × 80, अराउंड 4,800 हेयर ग्राफ्ट वी कैन अचीव फ्रॉम दिस स्ट्रिप. नाउ यू कैन सी वी डू ट्राइकोफाइटिक क्लोजर इन ईच ऑफ आवर FET2 स्ट्रिप केस, एंड देर इज हार्डली एनी स्कार मार्क यू कैन फाइंड आफ्टर द सर्जरी. सो नीड नॉट टू स्केयर फॉर द स्कार लाइन की FET के बाद निशान दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन रिजल्ट सबसे बेस्ट FET टेक्निक से ही आपको मिलेंगे. स्ट्रिप लेने के बाद वन बाय वन हेयर ग्राफ्ट हमारे जर्मन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से हम वन बाय वन हमारी जो टीम है वो हेयर फॉलिकल को सेपरेट करती है. इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड फोर ग्राफ्ट्स को अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है. इसके बाद जो सिंगल हेयर लाइन है वो सबसे फ्रंट में लगाई जाती है. उसके बाद सेकेंड, डबल और ट्रिपल हेयर डेंसिटी बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं. ये पूरा जो प्रोसेस है एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन के ऑब्जर्वेशन में एंड बाय हैंड होता है. बीच बीच में टेक्नीशियन की हेल्प भी ली जाती है, लेकिन सारा प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जन के एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशन में ही होता है. नाउ माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक एक ग्राफ्ट को फ्रंट से लेकर बैक साइड तक हम ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये प्रोसीजर पूरा पेनलेस है. थैंक यू.